भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई के जोगेश्वरी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के वरिष्ठ नेता एसएम खान के ऑफिस पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष वसीम खान सहित तमाम लोग एकत्रित रहे। वरिष्ठ नेता एसएम खान और वसीम खान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। वहीं इस 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनसे समर्थित पार्टियों को कैंडिडेट को जिताने की अपील की गई। आपको बता दें 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं जोगेश्वरी में वर्सोवा विधानसभा में भाजपा अल्पसंख्यक के वरिष्ठ नेता एसएम खान की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का बहुत अच्छा सहयोग एसएम खान को रहता है। सुनते हैं भाजपा के दोनों नेताओं की बातचीत। जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 44 सालों से एक ही भाव लेकर कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हमारे देश की तरक्की हो, कैसे देश की एकता अखंडता कायम रहे, एक नेक नियत और साफ नीति के तहत 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी। और आज आप सभी को भली भांति पता है कि आज 300 से ज़्यादा सांसद वाली पार्टी है, लेकिन उसी सेवा भाव के साथ निरंतर ये पार्टी काम कर रही है। और आज जो 44 वर्ष पूरे हुए हैं, ये मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए बहुत ही अभिमान का दिन है, क्योंकि अगर जो हम 44 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ सेवा, समर्पण और त्याग आपको दिखेगा। हमारा कार्यकर्ता सिर्फ राष्ट्र हित में कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उसके तहत काम कर रहा है, सेवा के भाव से। एसएम जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज भाजपा के स्थापना दिवस है और लगता है भाजपा की जिस तरह से गठन किया गया था, क्या उस कार्य को लेकर जनता के लिए वो कार्य कर पा रही है? देखिए, जिन्होंने पार्टी का पौधा लगाया, आज हम उन्हीं के फल हैं, उसी पेड़ के फल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो मेंबर पार्लियामेंट 283 में होते थे, आज हमारे 400 की उम्मीद है। 2024 में 400 के पार कर रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना आगे कर दिया है कि हर बच्चे की जबान पे भारतीय जनता पार्टी है। और आने वाले 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन चालू हैं, मोदी जी 400 के पार जाएंगे और हम लोगों की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत तरंग लेके आएगी। आज जिस तरह से केक काट कर आपने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, किस तरह आपने सोचा है कि स्थापना दिवस को किस तरह से भव्य रूप में मनाया जा सकता है? हमारी ये खुशी होती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर सब मिलके एक साथ रहें। और केक काटने का तो एक बहाना है पार्टी का, ये एक मिलावा था कि मिल रहे सब लोगों से और आगे का जो है इलेक्शन आ रहे हैं उसको आगे कैसे किया जाए। जो भी कैंडिडेट आता है, या हमारी पार्टी का है या अदर पार्टी का है या गठबंधन का है, तो उसको कैसे जीत के और मोदी जी को तोहफा दिया जाए, इसके बदले तो आज हम लोगों ने केक काटा है। देखिए, हम पिछले 10 साल से ये बता रहे हैं कि एक शेर के साथ मैं इस आपके सवाल का जवाब दूंगा कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाएं कैसे। तो भारत जोड़ो यात्रा पे उनके युवराज निकले हैं, लेकिन आपको पता है एक एक करके ये जो कांग्रेस का कुनबा है वो पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। लेकिन जब आप राजनीति एक लाभ के हित, आपने पर्सनल लाभ के लिए जब राजनीति को आगे बढ़ाएंगे ना, तो वहाँ ये होना स्वाभाविक है। जब आप देश हित की बात करेंगे, जब आप राष्ट्र हित की बात करेंगे, तो वहाँ परिवार बड़ा होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम क्यों है भाजपा, क्योंकि हमारी, हमने पहले कहा कि हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है, इसलिए हमारी एक ही संकल्प है। हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमारा देश, हमारे राष्ट्र के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो इसलिए हमारा परिवार बढ़ेगा और जो जिनकी सोच तुष्टिकरण की सोच है, जिन्होंने हमेशा जात पात और देश को जात पात में बांटा है, उन स्वाभाविक रूप से एक समय तक वो ज़रूर आप किसी को भ्रमित कर सकते हो, किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन वो समय जब आएगा जब आपका राज पूरी तरीके से खुलेगा और लोगों को मालूम पड़ेगा, तो आपका पूरा कुनबा खाली हो जाएगा। आज कांग्रेस मुक्त का जो नारा दिया था माननीय मोदी जी ने, आज मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त भारत अपने अंतिम पड़ाव में है।
आप 2024 के बाद देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत पूरी तरीके से हो जाएगा। लेकिन ईडी का डर बताया जा रहा है, ईडी के डर से लोग पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। देखिए ईडी ने, ईडी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए। जितने भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का कोई दायरा नहीं है, उनमें कोई वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर नहीं है। जो देश को लूटने का काम करेगा, जो चोरी करेगा, उसको सजा अवश्य मिलेगी। ईडी अपना काम कर रही है। आपको पता है कि जिस तरह से 2014 के बाद मोदी जी सक्रिय हुए हैं, इस देश से जो गुंडागर्दी है, जो माफिया है, वो नस्तो नाबूद होते जा रहे हैं, मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। इसलिए उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ईडी का डर उन्हें है जिन्होंने गलत काम किया है।